से मैं खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्रिकेट। मैंने क्या इंटरनेशनल में, क्या मैंने कभी डोमेस्टिक में नहीं देखी ऐसी अप्रोच, और ना मैंने कभी क्लब क्रिकेट में देखी है। टेस्ट मैचेस में इस अप्रोच के साथ खेलना और जीतना, और बांग्लादेश में यह डाली है और दुनिया हैरान है कि भाई कैसे 2 दिन में टेस्ट मैच जीता जाता है कोई इंडियन टीम से खेलते। ठीक है, इस तरह की अप्रोच, इस तरह की क्लास, इस तरह की डोमिनेशन, इस तरह की फील्डिंग, मैं कहता हूं बॉलिंग बैटिंग पे तो आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले फील्डिंग की बात करेंगे यार। जो जायसवाल ने आज कैच पकड़ा यार, मतलब आप देखो तो सही यार, इतनी कमाल की फील्डिंग। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं, Facebook पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए रोज़ाना पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही थी, उसमें भारत ने 2-0 से इसमें जीत दर्ज की है। और खासकर जो दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह का भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में नजर आ रहा है। जहाँ पर दोस्तों पहले भारत की जिस तरह की आक्रामक बैटिंग रही और उसके बाद दोस्तों जिस तरह की बॉलिंग इस मैच में रही, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की काफ़ी तारीफ कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इसी बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को घर में जाकर 2-0 से जिस तरह से रौंदा था, और पाकिस्तानी कह रहे थे कि बांग्लादेश की टीम काफ़ी अच्छी टीम है और भारत को भी है, भारत के घर में जाकर तगड़ी फाइट देगी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह दोस्तों बांग्लादेशियों को दूसरे टेस्ट मैच में केवल 2.5 दिन के अंदर अंदर ही दोस्तों भारतीय टीम ने हराया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहा है। वहीं अपने घंटों की देखिए दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जमकर धजिया उड़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख T10 बना लिया हुआ था इंडियन टीम ने, क्योंकि जीतना बड़ा ज़रूरी था, पॉइंट हासिल करना बड़ा ज़रूरी था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। और मेरे ख्याल से अब कोई टीम भी नहीं रोक सकती फाइनल खेलने से इंडियन टीम को। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, तीसरी मरतबा फाइनल खेल रहे हैं। कोई ये आम चीज़ नहीं है फाइनल खेलना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ठीक है, जीते नहीं है, लेकिन फाइनल में तो क्वालिफाई किया ना। एक टीम लग रही है, एक नंबर वन टीम लग रही है। अप्रोच देखें, 5वें दिन टेस्ट मैच में फैसला आ गया, जिसमें से 2.5-3 दिन मैच ही नहीं हुआ, टी से पहले मैच खत्म हो गया। इंडिया टीम ने सिर्फ बैटिंग 51-52 ओवर्स की है तो टेस्ट मैच जीत गए हैं। कोई सोच सकता है, कभी देखी है कि दुनिया ने कोई ऐसी फास्ट टेस्ट क्रिकेट इतने कम टाइम पे कोई जीती है टीम? मुझे नहीं याद, जब से मैं खेल रहा हूँ देख रहा हूँ क्रिकेट। मैंने क्या इंटरनेशनल में, क्या मैंने कभी डोमेस्टिक में नहीं देखी ऐसी अप्रोच, और ना मैंने कभी क्लब क्रिकेट में देखी है। टेस्ट मैचेस में इस अप्रोच के साथ खेलना और जीतना, और बांग्लादेश की टीम कैसे खेली है, मुझे तो शर्म अपनी क्रिकेट पे आ रही है कि इनसे वाइट वॉश हुई है पाकिस्तान की टीम। शर्म वाली बात है हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, कि हम लोग कितना बुरा खेले होंगे, क्या सोच के खेले होंगे जो हम लोग इनसे वाइट वॉश हुए हैं। और इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो, लेकिन इंडिया में जाके क्या हुआ? चले पहला टेस्ट मैच 5 पूरे कोई बारिश नहीं हुई, ये टेस्ट मैच तो यार 2.5-3 दिन मैच नहीं हुआ, और ये टेस्ट मैच नहीं ड्रॉ कर सके। किस टाइप की बैटिंग की है बांग्लादेश ने? शादमान क्या 50 कर लिए हैं तो बस जॉब डन, ये अप्रोच है? मोमिनुल हक ने पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में स्कोर नहीं कर सकता था, टांग से बाहर बॉल और लेग स्लिप में आउट करवा लिया। लेकिन यहां पे क्रेडिट दें इंडियन टीम को, कप्तान को, कोच को, कि सारा स्कोर इसने स्वीपों पे किया, लेग स्लिप रखते हैं, और लेग स्लिप में जैसे कैच हुआ, वो कोई इजी कैच नहीं था, बहुत मुश्किल था, उसने पूरी स्वीप मारी है। लेकिन गेम प्लान देखे कितना जबरदस्त था, और वहां पे आउट किया। फिर 91-90 पे 3 आउट, ऐसे लग रहा था कि अब मेरे ख्याल से टेस्ट मैच का फैसला नहीं होना। जैसे ही जड्डू को लगाया, आउट हुआ, बैट शॉट नाजमुल हसन शांटू की, खेलते जाओ। उसके बाद शादमान ने भी 50 के बाद फिर
लिटन दास ने जाके जो शॉट्स खेली है, जो रन करने गया, अभी आया खेल, उसको जोर से मार काट, पॉट भी एंड हो गया। फिर साकिब आप देखें, जैसे आते साथ ही कॉटन बोर्ड, उसके बाद तो मेहंदी हसन, महराज, कोई मिनिमम, सिर्फ मिशफिक रहीम ने सिर्फ 37 रन बनाए, वो भी लास्ट पे आउट हुआ, कितना वो सरवाइव करता। यहाँ पे सिर्फ रन करने थे, सेट हो के जैसे शादमान आउट हुआ है, ये है क्राइम। ये बैटिंग लाइनअप, ये मुझे लग रही है 26 पे 6 आउट होने के बाद ये टेस्ट मैच जीते हैं पाकिस्तान से। क्या बॉलिंग थी हमारी, और आज वो 46 पे आउट हो गए हैं। उतनी जबरदस्त कैप्टनसी, उतनी जबरदस्त एफर्ट बॉलिंग की, मैं कहता हूँ बैटिंग तो हो जाती है लेकिन आउट करना इतना आसान काम नहीं था इतने कम टाइम पे। और बॉलर्स ने वो, क्योंकि बॉलर्स 5 के 5 मैच विनर है, किस किस को आप बोलेंगे? जैसे जड्डू ने इस इनिंग में 3 आउट किए कितने इंपॉर्टेंट टाइम पे आके, बुमराह ने 3 विकेटें ली हैं दूसरी इनिंग में भी, अश्विन ने 3 आउट किए हैं और कितना जबरदस्त यूटिलाइज किया। और दीप की क्या बॉलिंग है, क्या जबरदस्त सीम लगता है उसका, वो तो इतना भी स्कोर नहीं होना था अगर कल के राहुल से कैच हो जाता तो, जो 50 किया शादमान ने। मैच तो मेरे ख्याल से आज लाइन से पहले ही खत्म हो जाना था, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त अप्रोच, मौका दिया। में यार डाली है और दुनिया हैरान है कि भाई कैसे 2 दिन में टेस्ट मैच जीता जाता है कोई इंडियन टीम से। खे देसी है, इस तरह की अप्रोच, इस तरह की क्लास, इस तरह की डोमिनेशन, इस तरह की फील्डिंग। मैं कहता हूं बॉलिंग बैटिंग पे तो आगे चल के बात करते हैं, सबसे पहले फील्डिंग की बात करेंगे। यार जो जायसवाल ने आज कैच पकड़ा यार, मतलब आप देखो तो सही यार, इतनी कमाल की फील्डिंग भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, एशियन टीमों में कोई उतनी अच्छी फील्डिंग नहीं करता। एथलीट्स हैं सारे के सारे, इनमें सब कुछ है यार। ये मल्टी हैं, ये T20 वाले टेस्ट भी खेल सकते हैं, टेस्ट वाले T20 भी खेल सकते हैं, वनडे भी खेल सकते हैं। ये बॉलर्स भी सारे सेम हैं, आप बॉलर्स को भी वनडे, टेस्ट, T20 में भी कहीं भी खिला सकते हो। ये इनकी वर्सेटिलिटी है, मतलब के मल्टी डायमेंशनल किस्म के प्लेयर हैं, सब कुछ ये ठीक करते हैं यार। और आज भी बिल्कुल अब परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं होती, जैसे जमशेद जी कल लंच तक इनको फेंटा लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो मुशफिकुर रहीम ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई और इंडिया भी उतना तगड़ो के आया नहीं। अब स्टार्ट में विकेट मिल गई हैं, बाद में आपको विकेट मिल रही हैं, कोई परेशानी वाली बात है नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर जो है ना, गंदी शॉटें खेल के प्रेशर में आए हुए हैं। मैंने कल भी बोला था कि भाई ये जो है ना, ये प्रेशर में आ जाएंगे, आज के पूरा दिन सर्वाइव करना है। वही हाल हुआ, आप हर एक प्लेयर को देख लो, इतने बुरे प्लेयर नहीं है, लिथन दास, मेदी, ये सारे इतने बुरे प्लेयर नहीं है, कुछ भी हो जाए, बट वो प्रेशर, वो इंडिया ने जो कुछ कर दिया एक दिन के अंदर, उसका प्रेशर, उसी वजह से वो उसको सह ना पाए और विकेटें देते गए भाई। 3 विकेटें बुमराह, बुमराह ने क्या बॉलिंग करी है यार। मैं आपको बोल रहा था रात को वो सोच के आएगा, देखेगा ऐसी बॉलिंग करनी है, वो फिर उसने की 3 विकेटें जिस तरह से ली, 10 में से 5 ओवर मेडन किए यार। ये टेस्ट मैच क्रिकेट की क्लास है, बुमराह 10 में से 5 ओवर मेडन कर रहा है और टीम इंडिया ने अपनी इनिंग में, पिछली इनिंग में कोई मेडन ओवर खेला ही नहीं है। मतलब ये कैसा टेस्ट क्रिकेट है जहाँ कोई मेडन ओवर नहीं खेला जा रहा यार। पिछली इनिंग का ये स्टेट निकल गया है, आप सरप्राइजिंग चेक करो ना, कितने सरप्राइजिंग स्टेट हैं। बुमराह ने जो मुशफिकुर रहीम के साथ किया एंड में ना, लंच के आखिरी बाल पे, लंच से पहले, मैं कहता हूँ वो तो कमाल ही था। उससे तो बांग्लादेश का जो है ना, और ज़्यादा जो एक रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म होगी। खैर वो छोटा अच्छा केमियो खेला है बेचारा, जितना खेल सकता था। 3 विकेटें बुमराह की आई हैं, बुमराह जैसा बॉलर तो हम बात करते हैं भाई, ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये उन ग्रेट्स में शुमार हो चुका है बुमराह का। आप देखो कोई बॉलर के करीब करीब भी नहीं। आप रबादा, स्टार्क, शाहीन को भी ले लो, नसीम को भी ले लो, कोई और भी, मतलब कि दुनिया में आप बॉलर्स ले लो कि भाई हाँ यार इस वक्त ये टॉप 10 बेस्ट बॉलर हैं, और फिर आप साथ बुमराह को रखो, मतलब वाज़े डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, स्किल का डिफरेंस है, कंटिन्यूटी का डिफरेंस है कि भाई फॉर्म जा ही नहीं रही है। ये कैसा बॉलर है आजकल, स्टार्क एक ओवर में 28-28 पेल रहा है, बट बुमराह तो पिलता ही नहीं है। मतलब बुमराह तो मेडन पे मेडन ओवर करी जा रहा है, स्लोअर वन इसके पास है, टेस्ट का ये परफेक्ट बॉलर है, T20 का ये परफेक्ट बॉलर है, आप किसी भी फॉर्मेट में खिला दो यार। जो बुमराह ने आके एक बैलेंस क्रिएट किया है ना, अब भी आप देखो, अगर एक पेसर ना हो, बुमराह ना हो,
फिर इंडिया को बाकी सारे तो एवरेज रह जाते हैं, बाकी सारे आर गुड पेसर्स। आज मैं देख रहा हूँ शार्दुल ठाकुर भी ईरानी कप खेल रहा है, मतलब बाकी आर गुड बट दे आर एवरेज पेसर्स। अगली टीम को वो थ्रेट उस तरह से नहीं कर सकते, तो वो आपके एक बहुत बड़ा गैप रह जाता भाई। बुमराह जिस तरह का बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है ना टीम इंडिया की टेस्ट साइड में, वो हमें उतना फील नहीं होता कि हम बैटर्स की ग्लोरी में जो है ना घूम रहते हैं। असल में जो बुमराह डिफरेंस क्रिएट करता है, जो इम्पैक्ट डालता है, जिस तरह से टाइमली विकेट लेके देता है, ये बहुत बड़ी बात है यार। ये बहुत बड़ा बॉलर है, ऐवें ही इसको वसीम वकार और ऐसे ग्रेट्स के साथ मैच नहीं किया जाता। फिर आप देखो आकाशदीप ने जैसी बॉलिंग की है, फिर आप जडेजा की विकेटें देखो, जडेजा भी थोड़े बुझे बुझे से लग रहे थे बांग्लादेश के लाइफ एंडर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम की अब बिल्कुल पिछले काफ़ी समय से ठीक पाकिस्तान की तरह काफ़ी नाजुक हालात है। चाहे किसी भी टीम के साथ पाकिस्तानी टीम खेले, लेकिन हमेशा से प्रेशर में नज़र आती है। और दोस्तों छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम आए दिन मैच हारती हुई जा रही है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम ने इस बार इस टेस्ट मैच में साबित कर दिया कि वह रियल में टेस्ट मैचों की सबसे बेस्ट टीम इंडिया ही है। तो दोस्तों जिस तरह की आक्रामक क्रिकेट भारतीय टीम ने खेली है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को कोस रहा है। हम आपके लिए इस तरह एक पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो इतनी दूर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए और भी एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।